तो अंततः होगा यही। मुख्यमंत्री के खिलाफ में अभी 2024 के चुनाव खत्म हुए हैं, उसमें कितने आरोप लगाए गए थे कि भाषा का स्तर गिर गया है आलोक शर्मा जी। अब 2029 आते आते जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, चीजें और खराब ही होंगी और हम एक दूसरे पर बस उंगली उठाते रहेंगे। क्या यही होने वाला है अगले 4 सालों में? देखिए, मुझे लगता है पद्मजा जी, पूरी तरह से जब से मोदी जी आए हैं और मोदी जी के पार्टी के लोगों के, मतलब मंत्रियों के इस तरह के बयान आए हैं, आप देखिए गिरिराज सिंह के क्या क्या बयान आए हैं। जो इनसे सवाल पूछ ले वो नक्सली हो जाता है, जो रोजगार मांग ले वो नक्सली हो जाता है, जो किसान आंदोलन में लोग खड़े हो जाएं अपना हक मांगने के लिए वो आतंकवादी हो जाते हैं। ये इनके ऑन रिकॉर्ड बयान है। एडीआर की स्पीच, एक मिनट प्लीज रुकिए ना यार, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। एडीआर की रिपोर्ट, अरे भाई आप पन्नू वाले स्टेटमेंट बताइए, बढ़ गई क्या? आप देश के दुश्मनों के साथ क्यों खड़े रखते हैं? आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कहा? सुनिए ना, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने किसका सपोर्ट किया? अरे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने किसका सपोर्ट किया? पहले इसके बाद बताइए, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री भी कहता है कि वो मेरे पेज पे, दोनों हो जाऊंगा, नहीं नहीं दोनों पेज, अरे आप चुप हो जाऊंगा, पाकिस्तान क्या कहता है उसको आप सुनिए, हम नहीं सुनेंगे। बोल ही रहे थे, मैंने आपको, मेरा मानना है, मेरा मानना है पद्मजा जी, पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान और बीजेपी की जुगलबंदी है, हमारे बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि कहीं ना कहीं आप बात आती है कौन किसके साथ खड़ा और कौन किसके साथ गया, और इसीलिए कई बार आप नेशनल सिक्योरिटी, मेरा टाइम आपको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नहीं बोल, नहीं रोकेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे, आप रोक नहीं पाएंगे, आपकी मजबूरी समझता हूँ, बोल रहे थे ना हमारे टर्म में, मैं वॉच कर रहा होगा, अगर आप उनको बोलने नहीं देंगे तो किसी भी तरीके की डिबेट कैसे होगी? पूरी नहीं समझ आ रही थी। और फिर हम एक दूसरे से कहेंगे कि डिबेट का जो है स्तर गिरता जा रहा है, डिबेट की क्वालिटी खराब हो गई है, हम ही एक दूसरे पे चिल्लाते हैं। चलिए 30 सेकंड बोलिए आलोक जी, फिर आपको मैं वक्त दूंगी बीच में, बिल्कुल सैयद जफर इस्लाम, मैं उसके बाद आपको भी वक्त दूंगी 30 सेकंड आलोक जी। लेकिन ये पूरे टाइम है इनको, आप देखिएगा उनको कौन कहां जाता है, सवाल ले लीजिए पद्मजा जी, आलोक शर्मा जी से ही पूछ रहा है क्या आठ, देखिए अभी दोनों बीच में बोलेंगे क्योंकि फंसे हुए हैं ये लोग, जवाब पद्मजा जी आप बताइए, आडवाणी जी जब गए थे, अरे भाई गजब, जिन्ना जी की मजार पर आडवाणी जी एक सवाल ले लीजिए, चलिए ठीक है, क्या जिन्ना की सारी बातों से सहमत है? सवाल सवाल पन्नू पे, जवाब जिन्ना का होगा यही, और यही हम रोज देखते हैं, शायद इसी तरीके की चर्चा आने वाले सालों में हमें देखने को मजबूर होना पड़ेगा।